अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारिया रहे आजाद या जग में, अमन दुनिया से यारिया, अमन है इश्क मस्ताना। वो जिंदा लोगों का मुर्दों का नहीं, क्योंकि मुर्दों से तो हम बहुत अच्छी तरह परिचित हैं कि हम रात को हमने सुना था कि कितना भी लाड़ का बेटा हो, हम कितना ही प्यार करें उससे, लेकिन अगर वो मर जाए तो घर के लोग क्या करेंगे, सब जानते हैं क्या करेंगे। एक दो घंटा छाती में माथा पीट लेंगे और ले जाओ, कितना भी लाड़ रहा हूं मरते नहीं है उससे। यानी मुर्दों के साथ क्या किया जाता है, बोले मुर्दों को तो फेंक दो, जला दो, दफना दो, खत्म करो, क्योंकि मुर्दा काम का नहीं है। मुर्दा अगर घर में हो, अगर रखें अपन, अपन कभी प्यार भी करते हो बहुत ज्यादा, और कभी वो डेड बॉडी को घर में रखो तो एक दिन रख लोगे, दो दिन रख लोगे, तीसरे दिन नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो फूलने लगेगी, वो फटने लग जाएगी, वो सड़ने लग जाएगी। किसमें हिम्मत इतनी, यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि हम तो जिंदा लोगों से डरे तो डरे, हम मुर्दों से ज्यादा डरते हैं। अगर किसी की मौत हो जाए और घर में डेड बॉडी रहे तो लोग वहां उसके पास भी जाना पसंद नहीं करते। तो जब मुर्दा लोगों से इतनी नफरत है तो जिसके भीतर प्रेम नहीं है, विचार करना, जिसके भीतर प्रेम नहीं है, जिसका दिल धड़कता नहीं हो, धड़कने का मतलब एक तो यूं डॉक्टर चेक करता है कि धड़कन है अभी, बोले जिंदा है, और संत लोग का इसे पहचान करते हैं कि इसका दिल नहीं धड़क रहा यार, मतलब दूसरों का दुख देख करके जिसका दिल ना धड़के, दूसरों की पीड़ाएं देखकर जिसकी आंख में आंसू ना आए, दूसरों की सेवा करने का तुम्हारा मन ना करे, किसी के दुख देखकर तुमको बड़ी प्रसन्नता हो, ये सारी चीजें जो हैं, ये मृत्यु की परिचायक है कि इंसान दिखता तो जिंदा है लेकिन भीतर से मर चुका है, और भीतर से मर चुका है मतलब ये मुर्दा है। और मुर्दा की इस दुनिया में किसी को कोई जरूरत नहीं है, यहां जब भी जरूरत पड़ती है जिंदा लोगों की जरूरत पड़ती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि साधु और सिंह का एक मता, जो जीवत ही को खाए और भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। इसलिए हमारा प्रयास, हमारी कोशिश ये हो कि हम अपनी चेतना को मरने न दें, अपने आत्मसम्मान को मरने न दें, अपनी समझ को, अपने विवेक को जिंदा रखें, और ये जिंदा रहेंगे तो ही हमारे काम के हैं, वरना जैसे ही मरे तो संतों की दृष्टि में ये सब खत्म हो जाता है। जितनी निर्भीकता से सदगुरु कबीर साहब ने जो बातें रखी है, उतनी निडरता से, उतनी निर्भीकता से आज तक कोई व्यक्ति कह नहीं पाया, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसके पास कुछ खोने के लिए होता है उसको सदैव डर सताता रहता है। तो हमने ये कहा कि भाई विधायक जी की सुरक्षा हो, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन एक साधु के साथ बॉडीगार्ड हो, ये बात समझ में नहीं आती। बात आश्चर्यजनक है, क्योंकि उनके पास संसार का बहुत कुछ है खोने के लिए, और जो फकीर होते हैं, जो साधु होते हैं, उनके पास संसार का कुछ भी नहीं होता, और जो होता है उसको किसी के बाप की ताकत नहीं है कि कोई चुरा सके या कोई छुड़ा सके या कोई लूट सके, इसलिए वो निडर होते हैं। और जिनके साथ बॉडीगार्ड है, ये समझ लो कि इसने कहीं ना कहीं गलती चूक की है, इसलिए इसको डर है, और जिसको डर नहीं है वो निश्चित समझ लो कि ये निर्भय है, इसने कभी ऐसा कोई कुछ किया ही नहीं। पुलिस को देख के, बहुत साधारण सी बात है, गांव में जब पुलिस आती है तो जिसने भले 10 साल पहले भी चोरी की होगी,
उसके बाप की ताकत नहीं है कि वो पुलिस से नजर मिला के बात कर सके, क्योंकि मन में भय रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उसी केस के चक्कर में तो नहीं आए हैं कि मेरी कहीं ना कहीं से पता लग जाए, मेरे को पकड़ के ले जाए। संत निर्भय होते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने उस दौर में कहा कि दुनिया के लोग तुम ढोंग चाहे जिसके साथ में कर लो, पाखंड चाहे जिसके साथ में कर लो, लेकिन कबीर को तुम ठग नहीं पाओगे। कबीर को ठग नहीं पाओगे और कबीर के सानिध्य में जो रहेगा, उनकी छाया में जो रहेगा, उनके वाणी वचनों से जुड़ के रहेगा, उसको भी कभी कोई ठग नहीं पाएगा। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और ठगे दुख उपजे आप ठगे सुख होए। कबीर की ठगाई में अगर हम ठग गए तो ये जीवन धन्य हो जाएगा, और संसार की ठगाई में अगर गए तो जीवन भर रोते रोते जिएंगे और रोते रोते मर जाएंगे, और मरने के बाद भी कोई हमारा नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। ये बात इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि भक्त और भक्ति के लक्षण क्या होते हैं। एक प्रेमी कैसा होता है? परमात्मा की राह में, सदगुरु की राह में ढोंग नहीं चलता, दिखावा नहीं चलता, आडंबर नहीं चलता। एक स्त्री अपने पति से इतना प्रेम करती है कि अगर बताए हुए समय पर घर ना आए तो वो दौड़ लगा देती, रोने लग जाती। एक दिन शाम के समय पति उसका घर आने में लेट हो गया, उसने देखा कि घड़ी में 5 बज गए, अभी तक मेरा पति नहीं आया। व्याकुल हो गई, आंखों में आंसू आ गए, मेरे पतिदेव ने आज लेट कैसे हो गए, देर कैसे कर दी। और जिस रास्ते से पति घर आते हैं उसी रास्ते पर दौड़ लगा दी। देखा कि संध्या का समय है, मुस्लिम धर्म के जो व्यक्ति होते हैं उसका नमाज पढ़ने का समय हुआ, शाम को 5 बजे उसने अपने घोड़े की जीन उतारी और बीच रास्ते पर ही जीन को बिछा करके और वो नमाज पढ़ने लग गया। वो नमाज पढ़ रहा है और वो स्त्री अपने पति के ध्यान में दौड़ती दौड़ती उस सम्राट की पीठ पे पांव रख के उसको कूद के निकल जाती है। आगे उसका पति मिल जाता है और दोनों पति पत्नी खुश होते होते अपने राह घर आते आ रहे होते हैं, और इधर वो सम्राट अपनी नमाज खत्म करके, अपनी पूजा इबादत खत्म करके और तलवार लेकर के खड़ा रहता उस स्त्री की इंतजार में। जैसे ही दोनों पति पत्नी आए, उस राजा ने तलवार निकाली और उस स्त्री के गले पर रख करके ये कहा कि मूर्ख, तुझे पता नहीं है, तुझे इतना बड़ा व्यक्ति दिखा नहीं, तुझे पता नहीं है मैं अल्लाह की खुदा की इबादत कर रहा था और तू मुझे कूद के निकल गई, तू मेरे ऊपर पांव रख के निकल गई। सदगुरु कबीर साहब का एक शब्द यहां आता है, मैं नर राची सूझो नहीं। राचने का मतलब होता है उनके भीतर रम जाना। मुझे तो मेरे पति से इतना प्रेम था, वो स्त्री उस राजा से कह रही है, मैं नर राची मने सूझो नहीं, तू कैसे लखियो सुजान, अरे कुरान पढ़त बहुरा भया तेरे दिल में नहीं रहना। हे राजा, ये तू नमाज पढ़ के तू किसको खुश कर रहा है, संसार के लोगों को दिखा रहा है या परमात्मा की इबादत कर रहा है? मैं तो अपने पति से इतना प्यार करती हूँ कि मुझे तू दिखाई नहीं पड़ा, मैं तो उनके प्रेम में इतनी अंधी हूँ, लेकिन तू तो अल्लाह की इबादत कर रहा था, तुझे कैसे पता लग गया कि कोई स्त्री मेरे शरीर पर पैर रखकर निकल गई है? ये दिखावा है, ये आडंबर है, ये ढोंग है। और जो इन बातों से परे हो जाता है, लोग कहते हैं कि क्या करें यार, हमको नाचना नहीं आता। जिसका भीतर मन नाचता है, जो भीतर से अंतर से रचा बसा होता है, उसको कोई भी बाधाएं रोक नहीं पाती। इसलिए प्रेम और भक्ति जीवन में हो तो कैसी हो, सदगुरु कबीर कह रहे हैं। न लाज कानी लोक की न वेद को कयो करे, न शंका भूत प्रेत की न देव यक्ष से डरे, सुने न काहू और की द्रसे न और इच्छना,
कहे न कुछ और बात। ये भक्ति प्रेम लक्षणा, ना वो कोई फिर वेद शास्त्र का कहना मानता है, ना दुनिया में किसी से डरता है, ना किसी को कुछ कहता है, ना किसी की सुनता है। वो अपने प्रेमी की मस्ती में मस्त रहता है। वैसा ही हाल सद्गुरु कबीर साहब का था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ना धर्मी हूँ ना अधर्मी हूँ, ना योगी हूँ ना भोगी हूँ। तो सद्गुरु कबीर किस तरह से कह रहे हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, बहुत कर सिर पटकता है। फलक सब नाम को अपने बहुत कर सिर पटकता है। हमन गुरु नाम आलम है, हमन गुरु नाम आलम है, हमन को नाम तारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, बिछड़े हैं प्याले से भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्याले से वो फिरते दर बदर भटके। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, बिछड़े हम प्यारे से।
पल बिछड़े पिया हमसे न हम बिछड़े प्यारे से। रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी जा, हमन है इश्क मस्ताना। कबीरा इश्क का माता तुई को दूर कर दिल से, कबीरा इश्क का माता तुई को दूर कर दिल से। ये चलना चलना राह ना सुख है हमन सिर बोझ भारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। हमने को होशियारिया कहे आजाद या जग में हमने दुनिया से यारिया, हमन है इश्क मस्ताना।